रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनाया सनातन। जबलपुर की रजिया भी बनी नंदिनी, बोली इस्लाम में तलाक हलाल बुरखा प्रथा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की रजिया भी अब नंदिनी के नाम से जानी जाएंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन यानी कि सोमवार को उन्होंने इस्लाम छोड़ते हुए सनातन अपनाया। शहर के शिव शंकर मंदिर में हिंदू धर्म सेना ने उन्हें सनातन अपनाने में मदद की। नंदिनी का कहना है कि जल्द वे अखबार में विज्ञापन निकलवा कर यह बता देंगे कि अब उनको नंदिनी नाम से पुकारा जाए। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगी। इस्लाम में कुछ नहीं है, तलाक है, हलाला है और बुरखा प्रथा है। नंदिनी ने कहा कि उनके धर्म बदलने में पति शेरा शहनवाज को ऐतराज नहीं है। पति और दो बच्चे 14 साल का बेटा 12 साल की बेटी भी जल्द सनातन धर्म अपनाएंगे। बचपन से सनातन में दिलचस्पी नंदिनी बनी रजिया कई महीने से हिंदू धर्म सेना के संपर्क में थी। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें सनातन धर्म में दिलचस्पी थी। वे भजन सुना करती थी, माँ बाप से प्यार नहीं मिला। शादी हुई तो ससुराल में कोई साथ नहीं देता। इस्लाम में बुरखे के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा करने पर समाज के लोग गालियां देते हैं, जबकि सनातन में बेटियों को पूजा जाता है। नंदिनी का कहना है कि पति शेरा शाहनवाज उन्हें बहुत चाहते हैं। पति के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने उनके फैसले को कबूल कर लिया। पति ने ही उन्हें पूजा की सामग्री ला कर दी। मेरे घर में मैं पूजा करूंगी। पति एम्ब्रॉयडरी वर्ग का काम करते हैं। हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि नंदिनी ने हम लोगों से संपर्क किया था, शुद्धिकरण हनुमान चालीसा पढ़कर घर वापसी कराई। इनका पूरा परिवार घर वापसी करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।